से परछाई सफेदी में खुशी पाई बिन रंगों की ये बारूद तुम्हें कहीं और ले चले पहुंचो ऐसी दुनिया में जो लगे तुम्हारी हो नींद को विदा करो और रातों में जब होश को तुम संभालो या तो कड़वे सच में जियो या सफेद बारू से मरो सफेद बारू से मरो सफेद बारू से मरो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए वरना नाम लेते ही काम हो जाए। ये बात है 1994 की। उन दिनों मलेशिया हिंदुस्तान के भगोड़ों का स्वर्ग बना हुआ था। 93 के धमाकों के बाद भारतीय अंडरवर्ल्ड दो गुटों में बढ़ चुका था और आए दिन दोनों गुटों की आपसी रंजिश दिखाई पड़ने लगी थी। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बोला? बहुत मारा साले को भाई, मैं कुछ बोल नहीं रहा। चलाता हूं। जी भाई। सलाम अलैकुम भाई। सलाम। बबलू का एड्रेस मैसेज किया है तुझे, इस बार जिंदा बच के निकलना नहीं चाहिए। काम करके फोन कर। जी भाई। रख। तेरे जाने का वक्त आ गया है। तेरे बाप का पता चल गया है, अब तू जी के क्या करेगा?
ऑफिसर भाई, ड्रग्स का कंसाइनमेंट आ गया है, आप प्लीज चेक करा लीजिए। आज से किडनैपिंग का सारा धंधा शेट्टी संभालेगा, मार दे उसे। किसी ने गोवा का मर्डर कर दिया। अच्छा भाई कहाँ है? ऊपर है भाई, उनको बोलो जल्दी वहाँ से निकले, उनकी भी फील्डिंग हो गई है, जल्दी। जी भाई। अचानक हमले के बाद पूरे अंडरवर्ल्ड में गैंगवार छिड़ गया और बबलू को अपनी जान बचाने के लिए सिंगापुर भागना पड़ा। वो कहते हैं ना, बदला लेने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है।